हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं कि क्या एवेक सिंजेंटा कंपनी की एवेक मैंगो जैप को टाटा की तागा जिसमें कैप्टन हेक्साकोनाजोल है और बार कंपनी की डेसिस। अब डेसिस में डेल्टा मैथ्रीन है दोस्तों, तो क्या इनको आपस में मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं? तो दोस्तों, हम सबसे पहले मिक्स करते हैं डेल्टा मैथ्रीन को। आप देखेंगे ये है डेल्टा मैथ्रीन, और यदि हम इसके टेक्निकल के ऊपर बात करें, प्रोडक्ट की ज़्यादा डिटेल्स यार नहीं की जाएगी क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी। इसलिए दोस्तों, यदि आपको डिटेल ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप ऑफिशियल चैनल पर विजिट कर सकते हैं द एडवांस एग्रीकल्चर पर। सही फसलों पर 15 लीटर पानी में 30-25-30 ml स्प्रे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम डेल्टा मैथ्रीन को इसी फॉर्म में आती है मल्सी फाइबर कॉन्सेंट्रेट, तो ठीक तरीके से दोस्तों हम इसको मिक्स कर देते हैं और घोल देंगे। अब इसी फॉर्म में आती, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो यह घुल चुकी है। अब दोस्तों, हम टाटा की तागत फंगीसाइड में दोस्तों हेक्साकोनाजोल और कैप्टन का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम मिलाएंगे। तो चलिए हम मिक्स करते हैं टाटा की तागत फंगीसाइड को, और ठीक तरीके से दोस्तों मिक्स कर देंगे। इसका जो डोज है 15 लीटर पानी में 35-40 ग्राम की दर से स्प्रे किया जाता है, और ठीक तरीके से मिक्स करते हैं। WP वेटेबल पाउडर फॉर्म में आती है दोस्तों, और यह एक कॉन्टैक्ट फंगीसाइड, कैप्टन भी और हेक्साकोनाजोल दोनों की दोनों कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है। तो इनको हमने मिक्स कर दिया है। अब दोस्तों, जो सिंजेंटा कंपनी की जैब आती है मैंगो जैब, तो यह है जो मैंगो जैब है दोस्तों, तो थोड़ा सा हम अलग बर्तन में घोल लिया है ताकि घोलने में आसानी हो। तो इस प्रकार हमने एक अलग बर्तन पर घोल लिया है, आप अलग टंकी पर बाल्टी पर घोल लीजिए। चलिए हम इसको भी ठीक तरीके से मिक्स कर देते हैं और ठीक तरीके से दोस्तों घोल देंगे चम्मच की मदद से, और हम ठीक तरीके से दोस्तों घोल देंगे। थोड़ा सा वेट कर लेंगे क्या इनको स्प्रे किया जा सकता है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि आपस में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है, और आपस में आप एबेक जो टाटा की तागत और डेसिस 100 को आपस में मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और जी हां, आप इस कॉम्बिनेशन को सभी प्रकार की फसलों पर, सब्जियों पर स्प्रे कर सकते हैं। वीडियो को आपने अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।